टू वेरीफाई द ट्रुथ टेबल फॉर एंड गैट, ठीक है। एंड गैट का हमने ट्रुथ टेबल फाइंड करना है। एंड गैट की जो है पिक्चर डायग्राम इस तरह की है, ठीक है, और ये जो है ट्रुथ टेबल है इसका। तो देखते हैं हमारे पास जो है अपरेटस कौन सा है जी, एंड गैट, ठीक है। ये एंड गैट का अपरेटस है, इसके ऊपर बना भी है टेबल। तो अभी हम देखते हैं, दो की हैं इसकी, की ए और की बी। ये जो है LED शो कर रही है किसको, इसकी पावर को, और ये जो है शो करेगी आउटपुट को, ठीक है, आउटपुट को शो करेगी। अभी हम देखते हैं कि जी ये DC सोर्स हम सेल यूज़ करेंगे, सेल 3 वोल्ट की, ठीक है। तो इन सेल को हमने यूज़ करना है जी। ये पावर ऑन हो गई है, अभी नेक्स्ट हमने ये करना है, ये पावर है जी। अब इस वक्त जो है दोनों जो है 0 0, आउटपुट भी हमारे पास क्या आएगी, 0। अच्छा, की ए को मैंने क्या किया जी, 1 किया, की ए को 1 किया, और की बी जो हमारे पास 0 है, फिर भी आउटपुट क्या होगी, 0। अच्छा, की ए को हमने 0 रखा हुआ और की बी को हमने क्या किया, 1, आउटपुट भी 0। अब दोनों को हम क्या करेंगे, 1 1, दोनों को प्रेस किया ये, अभी हम प्रेस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं जी, मेरे हाथ में ये दो सेल हैं, तो देखते हैं ये, ठीक है, दोनों को 1 1 किया हुआ है, तो आउटपुट में हमारे पास क्या है जी, 1 आई है, सही है, LED शो हो रही है, सही है। नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल नंबर 3 है, टू वेरीफाई द ट्रुथ टेबल फॉर नॉट गेट। नॉट गेट का ये हमारे पास नॉट गेट का ऑपरेटर है, ठीक है। ये इसकी की है, एक ही की इसमें यूज होगी और आउटपुट, ठीक है, एक ही और आउटपुट। तो इसका डायग्राम जो है फिगर इस तरह की है, आपने एग्जाम में भी बनानी है। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है, सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं जी इसके ऊपर, चेक करते हैं, वोल्टेज कम है, हम दूसरा सेल भी यूज़ कर लेते हैं, ये कोई दूसरा सेल यूज़ किया हमने, ठीक है, ये ऑन होगी LED, पावर मिल रही है इसको। अब हम देखते हैं इसका जो ट्रुथ टेबल, देखें 0 है तो 1 होगी, इस वक्त जो है हमारे पास 0 है, आउटपुट हमें 1 मिल रही है। अब अभी हम देखते हैं इनपुट 1 है, तो इनपुट हम देखते हैं 1, ठीक है, आउटपुट क्या होगी, 0। अब LED ऑफ हो गई है, तो 0 आउटपुट। तो ये है, ये था जी टू वेरीफाई द ट्रुथ टेबल फॉर आर गैट, ठीक है। तो इसमें जो है सब ऑपरेटर्स वगैरह मौजूद है, जो अभी हम ये DC सोर्स भी हमारे पास है, LED भी हैं, सारा इसमें है, ठीक है। ये LED, दो LED हैं, ये पावर की LED होगी, और ये जो है आउटपुट की होगी, दो इसमें की हैं, की ए और की बी, ठीक है। तो इसका क्या करना है हमने जी, ये फिगर है इसकी, और इसका ट्रुथ टेबल हमने देखना है, ठीक है। जब दोनों इनपुट 0 0 होंगी, तो आउटपुट हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। अभी देखें, अभी चेक करते हैं हम, फिर DC सोर्स हम लगाएंगे, या जी DC सोर्स, देखिए DC सोर्स हमने लगाया, तो इसको पावर मिल रही है, LED ऑन हुई है। अभी दोनों जो हैं इनपुट की ए और की बी, दोनों के ऊपर 0 0 है, आउटपुट क्या होगी, 0। अभी सपोज अगर हम किसी एक को 1 कर देते हैं, दूसरे को हमने 0 रखा हुआ, तो फिर भी आउटपुट हमारे पास 1। अच्छा, इसको मैंने 0 रखा, इसको मैंने 1 कर दिया, की बी को मैंने 1 कर दिया, तो फिर भी आउटपुट हमारे पास 1। अच्छा, अगर दोनों को 1 1 रखेंगे, तो तब क्या होगा, फिर भी हमारे पास आउटपुट 1 रहेगी। तो ठीक है, ये था कौन सा गैट जी, आर गैट, ठीक है, आर गैट का।